हेलो एवरीवन। तो चलिए गाइस, आप लोग हम लोग आज पढ़ते हैं अपने नए चैप्टर को, यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। गाइस, इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर, जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्लीज जाओ उसे अच्छे से वॉच कर लो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने बहुत ही आराम से अच्छे से समझा है। सो आप लोग जाओ और उसे अच्छे से वॉच करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। देखो, तो आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, अभी देखो, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर में हम लोग ने देखा था आयोनाइजेशन प्रोसेस को। तो जो आयोनाइजेशन प्रोसेस था, ये क्या था कि कोई भी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो कोई भी अपना बेस हो, ठीक है, ये चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, जब किसी भी वाटर के अंदर हम इसे डालते हैं तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। अगर मान लो NaOH है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस आयन में, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल आयन्स में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन ऑफ आयन्स के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। कि मतलब कोई भी यार एलिमेंट जो है, कोई भी जो सब्सटेंस है, वो कितने अमाउंट तक डिसोसिएट हो सकता है एंड फॉर्म कर सकता है आयन को, ठीक है, इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। मोस्टली जो आयन्स होते हैं ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होते हैं, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है अनायन, यानी माइनस चार्ज, और अगर कोई भी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है कटायन, यानी कि प्लस चार्ज, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है अच्छे से। ये कब होता है गेनिंग और लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये जब डिसोसिएशन हो रहा होता है, जब हम कोई भी चीज को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं तभी ये डिसोसिएशन के टाइम पे गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस अभी हमको देखना है। तो ये आयोनाइजे, अब यहाँ पे आपके वहां पे बहुत सारी थियरी लिखी है, उस थियरी को मैंने एक ऐसा एकदम अच्छा सा चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको एक झटके में सारी चीजें समझ जाए। तो कोई भी एसिड हो या बेस हो, इनका जो आयोनाइजेशन होता है ये डिपेंड होता है डिसोसिएशन के एक्सटेंट में, यानी कि कोई भी एसिड कितना हद तक, कितने लिमिट तक डिसोसिएट हो सकता है, इसी के एक्सटेंट के ऊपर कोई भी एसिड और कोई भी बेस क्या होता है, क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी एसिड है वो क्लासिफाई होता है दो टाइप में, और कोई भी बेस हो ये दो टाइप में क्लासिफाई होता है, ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने ऐसा मान लिया, ओके। तो ठीक है, तो कितने टाइप में क्लासिफाई होगा, दो टाइप में, पहला है स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, दूसरा है स्ट्रांग बेस और वीक बेस। मैंने इतना यहाँ पे अच्छे से चार्ट बनाया है, चार्ट को आप लोग ही बना लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट्स तो वैसे भी आपको मिली जाएगी, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझो। स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे भी हमने इसके पहले पढ़ा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम इसे डालते हैं तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, क्या होता है, ये कम्प्लीटली डिजोल्व होता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक एक छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl मॉलिक्यूल, जब भी हम इसे वाटर में डालेंगे H2O में, तो ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा H+ आयन और Cl- में, कंप्लीटली डिजोल्व होता है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, याद रखना। वीक एसिड जो होता है ये बहुत ही कम डिजोल्व होता है, यानी पार्शियली डिजोल्व होता है, और बेस्ट वीक एसिड का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये डिजोल्व होता है CH3COOH- आयन और H+ आयन में, ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों रिएक्शन भी याद कर लो और यहाँ पे दो टाइप के एसिड भी। फिर आते हैं बेस में, जो अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे अच्छा NaOH होता है और ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग वाली चीजें हैं ये कम्प्लीटली डिजोल्व होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल के अंदर या एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर या स्मॉल जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर ज्यादा हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन लाइक, ओके। सो NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कम्प्लीटली Na+ और OH- में डिजोल्व होता है, बट वीक बेस कौन सा है, NH4OH, ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये NH4+ और OH- में डिजोल्व होता है बट पार्शियली डिजोल्व होता है, कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि वीक है ना। अगर कोई भी पूरा का पूरा किसी भी एलिमेंट यहाँ पे डिजोल्व हो गया सारा का सारा,
तो अगर वो एसिड था तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो बेस था तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर कोई भी चीज पार्शियली डिजोल्व हुई है, यानी कि पूरा डिजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, अगर 100% कोई भी चीज थी तो ओनली 50% डिजोल्व हुआ और 50% वैसे का वैसा ही है, तो हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि क्लासिफाई होता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन में, कि कितना भाई डिसोसिएट हो रहा है, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक बनते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर, वैसे भी हम लोग ने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हमने अरहेनियस थियरी में पढ़ा था, हमने लेविस थियरी में पढ़ा था, तो हमने सारी चीजें ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ी है कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है। बस इतना से याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो होता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है बेस। इस चीज को अच्छे से याद कर लो। चलिए फिर अभी हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और ये चीज को आपको याद करना है। इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत चिंदी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है, याद कर या इसे याद कर लो। नाउ तो अभी हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग हमेशा के से दिखाते हैं। अगर एसिड के लिए होगा तो के ए, अगर बेस के लिए होगा तो के बी, ऐसा हम लोग दिखाते हैं मोस्टली के से। हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे किसका देखना है? अपने को वीक एसिड का देखना है और वीक बेसिस का देखना है। पहले हम लोग वीक एसिड का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपने वीक बेसिस को, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसिडर कर लो ऐसा आप लोग कि जो आपके सामने एक एच ए है, एच ए ये क्या है आपका, एकदम स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, क्योंकि हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो वीक एसिड है अपना एच ए। आपके टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, उसने डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो आपको अगर अच्छे समझना है तो इसे आप अच्छे समझ लो सारी चीजों को, ठीक है। के ए क्या है? ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट? ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड के लिए के ए याद रखना अच्छे से, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए। और जो एच ए है, ये एच ए क्या है? वीक एसिड के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है। जब ये एच ए को हम लोग किसी भी डायल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे, किसमें डालेंगे? डायल्यूट सॉल्यूशन में, तो ये डिजोल्व होगा बिकॉज ये अभी वीक एसिड है, ठीक है। तो देखो अच्छे से, मान लो ये आपके सामने एक यहाँ पे बीकर है और यहाँ पे आपने एच, यहाँ पे एच को और ए को डाला, ठीक है। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो एच होता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज पसेस करता है, और ये पूरा एच ए क्या है? एसिड है। इसका मतलब क्या रहेगा? ए क्या रहेगा? माइनस रहेगा। Why? Because अगर HCl है तो H क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज पसेस करता है, और जो Cl है तो मतलब ये क्या करेगा? माइनस चार्ज पसेस करेगा। और पॉजिटिव निगेटिव ही कंबाइन होकर क्या बनते हैं? अपना एसिड बनाते हैं, HCl। आयोनाइजेशन इनका होता है, आयोनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, समझा कि नहीं अच्छे से? तो एक प्लस और एक माइनस तो रहना फिक्स है, तो हमेशा एच वाला क्या होता है? हमेशा प्लस होता है, यानी कि Cl वाला माइनस होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ए क्या होगा? माइनस होगा। जब इसके अंदर यहाँ पे डिसोसिएट होगा तो ये एक बन जाएगा H प्लस और ये बन जाएगा A माइनस, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, एक बन गया अपना यहाँ पे एकदम अच्छा सा प्यारा सा एच ए। एच ए डिसोसिएट हो गया किसमें? H प्लस में और A माइनस में डिसोसिएट हो गया। अब हम लोग को पता है कि जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसे? प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ये वाला एरिया है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और कभी भी अगर मैं कहूं कि मान लो एक ए मॉलिक्यूल है, मुझे इसका कंसेंट्रेशन बताओ कितना होगा, तो जो कंसेंट्रेशन होता है ना, कंसेंट्रेशन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर ए मॉलिक्यूल को लिख देंगे, कुछ ऐसे कंसेंट्रेशन लिखा जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट होता है ना, इलेवेंथ में हमने पढ़ा था ये एक फॉर्मूला, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था डायरेक्ट, क्या पढ़ा था? कि किसी भी, चाहे वो एसिड का कॉन्स्टेंट हो डिसोसिएशन और चाहे वो बेस का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो, वो क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर क्या रहेगा? प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको इसे याद करना है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ पे देख लो अच्छे से, प्रोडक्ट में कौन कौन है? यहाँ पे H प्लस और A माइनस है। देखो H प्लस का कंसेंट्रेशन और A माइनस का कंसेंट्रेशन, कभी ब्रैकेट दिखा मतलब वो कंसेंट्रेशन बता रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे टोटल, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया टोटल, और यही हो गया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर वन। आपको समझा होगा कैसे आया ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया है। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ पे एक और अच्छे से थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, जो कंसेंट्रेशन होता है ये फॉर्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम,
क्या होता है, मोर पर वॉल्यूम, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मोल गेटिंग डिजॉल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन में, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल डिजॉल्व हुआ, यही होता है उसका कंसेंट्रेशन। ठीक है, मोस्टली जो कंसेंट्रेशन की यूनिट है, तो मोल की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मोल की यूनिट क्या होगी, MOL होगी मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, डीएम क्यूब, तो अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएम क्यूब। ठीक है, इस चीज को कोई ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, या फिर मोल यहाँ पे और डीएम माइनस क्यूब, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये कभी भी ऐसा कोई भी यूनिट वाला अगर गिवन डेटा न्यूमेरिकल में दिखा, तो समझ लेना कि ये क्या है, अपना कंसेंट्रेशन है। ठीक है, इसको अच्छे समझना। तो कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला मोल पर वॉल्यूम होता है, इसे आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो आपको अभी ये समझ चुका है कि कैसे आपका यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को मिल गया, एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं और अच्छे से इस चीज को। देखो अभी सिमिलरली हम बेस के लिए भी देख लेते हैं। तो बेस को मैंने कंसिडर किया कि जो बी ओ एच है ये क्या है, बेस, लाइक एन ए ओ एच। तो अगर जब ये डिसोसिएट होता है तो एन ए प्लस और ओ एच माइनस बनता है। ठीक है, OH हमेशा माइनस पसेस करता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, B प्लस रहेगा और OH माइनस रहेगा, आपको सिंपली समझ गया होगा। तो ये क्या है अपना, यहाँ पे B वीक बेस है, और KB हमने कंसीडर किया कि ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे KA क्या था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था, वैसे ही हमने इसे भी कंसीडर किया। हमने इसका भी रिएक्शन यहाँ पे देखो डिजोल्व किया, किसके अंदर, हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, डिजोल्व किया तो बी प्लस मिला और OH माइनस मिल गया। फिर सिमिलर वे में हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, आपके ऊपर है। तो टोटल कंसेंट्रेशन क्या मिला प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट अपना ये होता है, तो कंसेंट्रेशन पहले बी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, बी प्लस, ऐसा होता है, ये हो गया बी का कंसेंट्रेशन, और OH माइनस ये हो गया अपना किसका कंसेंट्रेशन, OH का, ब्रैकेट लगा मतलब वो कंसेंट्रेशन है, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये BOH आ जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये हो गया अपना डिनोमिनेटर के लिए, तो मिल गया अपने को KB, ठीक है, तो ये भी अपने को मिल गया, यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल गया, वहां पे अपने को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिला था, कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, इतनी चिंदी सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ चुकी है। ठीक है, ऐसे होता है एसिड डिसोसिएशन और बेस डिसोसिएशन की बातें, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इनके ऊपर, डोंट वरी, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एनी रिएक्शन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जो यहाँ लिखा है उसी को आप वर्ड के फॉर्म में बोल दो, वही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसा 11th में हमने देखा था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 11th की बात, जिससे आपको 11th ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट देखेंगे अपना ऑस्टवेल्ड डॉल्यूशन लॉ के बारे में, और ये लॉ बहुत चिंदी लॉ है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है वही चीज है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना चिंदी है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, दोनों चीजें अभी हम अच्छे से देखते हैं, इतना आसान है और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा अपना दिमाग फोकस करके रखना। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्टली अर्हेनियस थियरी जो थी उसके ऊपर इन्होंने सारा का सारा अपना चीज दिया है। आपको ये थियरी, इनको इस चीज को समझने के लिए, आपको अर्हेनियस थियरी नहीं आएगी तो भी चलेगा। अर्हेनियस थियरी क्या बताता था, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, प्रोटॉन्स का डोनेशन और गेन ऑफ प्रोटॉन, यही चीज बताया था और बाकी कोई चीज है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पेयर थी, यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी एसिड बेस में, लेविस में, फिर ऐसी सारी चीजें हमने देखी थी पहले वाले पार्ट। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे वीक बेस के बारे में, वीक एसिड के बारे में। ठीक है, तो वीक एसिड यहाँ पे दिया है, वीक एसिड के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, वही चीज फिर से आगे की चीजें ऐड होगी, आप ध्यान से देखना, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे आपको पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए फिर भी समझते हैं। तो सपोज मान लो कि HA क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अभी वीक एसिड है तो कभी भी ये स्ट्रांग एसिड की इतना पूरा का पूरा डिजोल्व तो नहीं होने वाला। जैसे स्ट्रांग एसिड डिजोल्व हो जाता है तो क्या वीक एसिड डिजोल्व होगा, नहीं होगा, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने और आपने HA मॉलिक्यूल इसके अंदर डिजोल्व कराया, ठीक है, तो कुछ तो अमाउंट होगा HA का जो डिजोल्व नहीं होगा
और कुछ अमाउंट होगा जो H प्लस और A माइनस में डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि HA जो होगा ये क्या होगा, पार्शियली डिजोल्व होगा इन दी सॉल्यूशन, और H प्लस भी और A माइनस भी क्या होगा, ये पार्शियली फॉर्म होगा इन दी सॉल्यूशन। भाई जब HA प्लस पार्शियली डिजोल्व हो रहा है और डिजोल्व होने के बाद H प्लस और A माइनस ही बनता है, तो इसका मतलब H प्लस भी और A माइनस भी हाफ ही बना, पार्शियली मतलब पूरा ना बनना, हाफ बनना, ठीक है। कोई भी चीज क्रिएट होती है पार्शियली का मतलब होता है हाफ ही क्रिएट हुई हो, कंप्लीटली ना हुआ हो। तो अगर मान लो 100% HA डिजोल्व हुआ था, मतलब अपने पास अवेलेबल है, तो 100% में से मान लो 50% डिजोल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि HA 50% डिजोल्व हुआ और H प्लस और A माइनस 50% ही फॉर्म हुआ है। समझा कि नहीं अच्छे से, तो यही चीज आपको समझनी है, ठीक है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो HA है, वही चीज अभी लिखी है यहाँ पे, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और जो HA प्लस है A माइनस है ये पार्शियली फॉर्म होते हैं सॉल्यूशन में। भाई जब HA प्लस पार्शियली डिजोल्व होगा तो H प्लस और A माइनस HA से ही बनते हैं, तो ये भी पार्शियली ही फॉर्म होंगे ना, फॉर्म मतलब क्रिएट होना, ठीक है। तो ये बातें समझ के रखनी है। तो आपके सामने एक रिएक्शन है HA प्लस, HA है ये फॉर्म करेगा H प्लस और A माइनस, बट पार्शियली, कैसा पार्शियली, यानी कि पूरा नहीं, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, हम लोग यहाँ पे वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ना कि स्ट्रांग एसिड की, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फिर क्या होगा, तो इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, और एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, के ए, ठीक है। और ये क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है अपना यहाँ पे H प्लस A माइनस, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे एच ए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये अपने को मिल गया। समझा कि नहीं अच्छे से, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो। अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे सारी चीजों को, अब हम मेन चीज समझेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इस चीज को समझ लोगे ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा दो चीजें ही बताई है, हम लोग अच्छे से यहाँ पे एकदम डीप में समझ लेते हैं इस चीज को, देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मान लो कि आपके सामने यहाँ पे कोई भी, सपोज यहाँ पे एक कोई भी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आपने वन मोल, कितना वन मोल, टोटल अमाउंट कितना वन मोल ऑफ एच ए, आपने वन मोल ऑफ एच ए को इसके अंदर डिजोल्व कराया, कितना डिजोल्व कराया वन मोल, ठीक है। तो ये डिजोल्व होने के बाद क्या बनेगा, H प्लस और A माइनस, बट पूरा डिजोल्व होगा क्या, नहीं डिजोल्व होगा, यानी वन मोल में से पूरा का पूरा वन मोल डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रांग एसिड होता तो वन मोल में से पूरा का पूरा वन मोल पूरा डिजोल्व हो जाता, बट ये अभी यहाँ पे क्या है, वीक एसिड जो कि पार्शियली डिजोल्व होता है, हमने अभी देखा है, वीक एसिड कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो क्या होगा, वन में से कुछ ही पार्ट एच ए प्लस और ए माइनस बने हैं, ये चीजें ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जो एच ए था वो कितना था, वन मोल था, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग में इनिशियली जब डिजोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो एच ए क्या था, वन मोल, और तब फिर जब अगर अभी एच ए पूरा का पूरा वन मोल है तो इसका मतलब क्या है, एच प्लस और ए माइनस फॉर्म ही नहीं हुआ है, बिकॉज एच ए से ही एच प्लस भी बन रहा है और एच ए से ही ए माइनस बन रहा है। तो जब एच ए अभी पूरा का पूरा कंप्लीटली ए है, यहाँ पे पूरा का पूरा वन है, तो मतलब ये अभी तक कुछ फॉर्म ही नहीं हुए हैं। समझा कि नहीं अच्छे से अभी आपको, ठीक है। नाउ अभी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब डिजोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है या डिजोल्यूशन कंप्लीट होने के टाइम पे एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, उस टाइम पे मान लो, अब यही पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, मान लो ऐसा सपोज कर लो, सपोज कर लो कि अल्फा अमाउंट, कितना अल्फा अमाउंट H प्लस और A माइनस बन गया, ठीक है, यानी कि वन मोल में से अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस डिजोल्व हुआ और अल्फा अमाउंट ऑफ OH या A है A माइनस डिजोल्व हुआ। समझा कि नहीं अच्छे से, ऐसा सपोज कर लो कि अपने पास वन मोल ऑफ HA था, समझ लो अच्छे से, स्टार्टिंग में अपने पास वन मोल ऑफ HA था, उसमें से अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस बन गया और अल्फा अमाउंट ऑफ A माइनस बन गया, तो फिर भाई वन मोल में यहाँ पे HA कितना बचा, तो वन मोल में से अल्फा गया ना, तो अगर मैं वन में से अल्फा माइनस कर दूंगा तो टोटल कितना बचा अपना HA, वन माइनस अल्फा बचा। समझा कि नहीं अच्छे से, ये चीज को समझ लो अच्छे से फिर से, स्टार्टिंग में आपके पास वन मोल ऑफ टोटल अपने पास HA था, मान लो जब हमने वाटर में इसे डाला, ये स्टार्ट हुआ डिजोल्व होना,
जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई उस टाइम पे हमने देखा कि HA में से टोटल अल्फा अमाउंट ऑफ H प्लस बना और अल्फा अमाउंट ऑफ A माइनस बन गया। ठीक है, टोटल अल्फा चला गया अपना, टोटल प्रोडक्ट साइड कितना आ गया रिएक्टेंट साइड से, टोटल अल्फा अमाउंट आ गया। समझा कि नहीं अच्छे से? तो मतलब टोटल इनिशियली कितना था, 1 था, और जब अल्फा चला गया तो माइनस कर दूंगा 1 में से, तो टोटल HA बन जाएगा, ये टोटल HA अमाउंट बचेगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो यहां पे देखो अल्फा जब चला गया टोटल, ठीक है, 1 में से, इस 1 में से टोटल अल्फा गायब हो गया, तो कितना बचेगा अब, 1 माइनस अल्फा बचेगा HA। समझा कि नहीं अच्छे से ये चीजें? जब भाई 1 में से अल्फा चला गया टोटल किस साइड, प्रोडक्ट साइड, टोटल भाई गया तो अल्फा ही है ना टोटल, समझा कि नहीं अच्छे से, HA की तरफ से। तो HA की तरफ से जब अल्फा टोटल चला गया तो HA की तरफ पहले स्टार्टिंग में 1 था, तो 1 में से ही अल्फा गया होगा ना, जो भी डिसॉल्व हुआ वो 1 मोल से ही डिसॉल्व हुआ है, तो अभी कितना बचा, 1 माइनस अल्फा बच गया। समझा कि नहीं अच्छे से, जब अल्फा डिसॉल्व हो गए तब। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे आपको समझ चुका है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने मोल बचे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपना रिएक्टेंट था वो 1 माइनस अल्फा बचा, और प्रोडक्ट साइड में अल्फा और अल्फा जो भी यहाँ पे थे वो इतने बच गए। समझा कि नहीं अच्छे से? अब हम लोग को एक चीज पता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये चीजें समझना। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल कितना है बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। इस साइड कितना बचा, अल्फा बचा। इस साइड कितना बचा, ओनली अल्फा बचा। ठीक है, इतना अपने पास रिमेनिंग है। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल कितना है, 1 माइनस अल्फा, तो मोल अपॉन टोटल गिवन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? फिर ऐसे ही H प्लस का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। फिर यहाँ पे A माइनस का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। जितना भाई मोल है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना रहेगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? तो ये हो गया, कंसंट्रेशन भी आ गया। इतना चिंदी सा कंसेप्ट था, एक से दो बार वीडियो रिवाइज करके देख लो, यहीं से फिर से बैक कर करके आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा, कट टू कट अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले इनिशियली देखा, जब भाई अपने पास यहाँ पे अल्फा HA कितना था, 1 था, और ये एक भी डिसॉल्व नहीं हुआ था। फिर इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि 1 में से अल्फा अल्फा डिसॉल्व हो गए, तो कितना बचा इस साइड, 1 में से अल्फा माइनस कर दूंगा, जितना आएगा उतना ही बचेगा HA। फिर कंसंट्रेशन देखा, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल कितना बचा है अभी इक्विलिब्रियम के बाद, 1 माइनस अल्फा। यहाँ साइड कितना बचा, HA का मोल कितना है, अल्फा है। A माइनस कितना है, वो भी अल्फा है। तो अल्फा अपॉन टोटल गिवन वॉल्यूम, भाई जो यहाँ पे अपने पास कंटेनर है इसमें कुछ तो इसका वॉल्यूम रहा होगा ना, तो ये अपॉन वॉल्यूम हमने V से डिवाइड कर दिया, अपने को मिल गया। कंसंट्रेशन भी सबका मिल गया। ठीक है, यही चीज हमने सीखी। चलो, तो अभी हमने ऊपर से क्या मिला कि कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना आया, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। कंसंट्रेशन ऑफ HA और A कितना मिला, यहाँ पे अल्फा अपॉन V। समझा कि नहीं? यही चीज देखो मिली है ना यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी। ये किसका है, HA प्लस का अल्फा अपॉन बी, A माइनस का अल्फा अपॉन बी, HA का 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, यही मिल गया है। तो यही फटाफट अभी हम लोग किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, KA में H प्लस, A माइनस मिल गया और HA भी मिल गया है, फटाक से पुट कर देते हैं। यही है ऑस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया इक्वेशन में KA के। KA का इक्वेशन क्या था, KA इज इक्वल टू H प्लस और A माइनस अपॉन HA। यही चीजें थी। ठीक है, तो H प्लस भी पता है, A माइनस भी पता है, HA भी पता है। देखो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लाइन से पुट कर दी, और देखो अपॉन में भी पुट कर दिया। ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस अल्फा भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ले जाके इसको ऊपर। क्या हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं ना वैसे ही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी और एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी। ठीक है, नाउ अब हम लोग को पता है कंसंट्रेशन को मैंने मान लो सी से दिखाया, सी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। और हमने किस कंडीशन के लिए देखी थी कि 1 मोल ऑफ कितना अमाउंट, 1 मोल, तो मोल कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी C इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना अच्छे से कि ये क्या है इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन वी। ये जो V है इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 1 अपॉन वी, और 1 अपॉन वी का मतलब क्या है कि C होता है 1 अपॉन वी, क्या होता है C होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल। समझा कि नहीं अच्छे से? तो 1 अपॉन V की जगह में हम C लिख सकते हैं,
तो यहाँ ऊपर क्या होगा, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे आपको अभी अच्छे समझेगा। तो यहाँ पे वन अपॉन वी हो गया और देखो यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो गया, समझा कि नहीं। तो फाइनली अपने को ऐसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या मिला, ये मिला। बस आपको इतना ही समझना था कि एच ए स्टार्टिंग में वन मोल था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, जीरो जीरो बन जाएंगे अल्फा और यहाँ पे ए माइनस। बाद में जब यहाँ पे अल्फा अल्फा डिजोल्व हो गया तो ये कितना बचेगा इधर, वन माइनस अल्फा, बिकॉज टोटल प्रोडक्ट साइड कितना चला गया, वन में से अल्फा चला गया, तो यहाँ पे टोटल कितना बचेगा, वन माइनस अल्फा। फिर ये क्या है अपना, ये यहाँ पे कितने मोल बचे, वन माइनस अल्फा मोल, यहाँ पे एच कितना बचा, अल्फा मोल, और ए माइनस कितना बचा, अल्फा मोल, ठीक है, इतने बच गए। तो कंसेंट्रेशन फाइंड करना होगा, तो एच ए का कंसेंट्रेशन वन माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, तो ये बन गया कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए। फिर यहाँ पे देखो ऐसा आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये आपको मिल गया कंसेंट्रेशन। फिर ऐसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो यहाँ पे इक्वल टू अल्फा अपॉन वॉल्यूम, और ऐसे ही ए माइनस का भी। तो ऐसे करके फटाक से हमने जो अपना कॉन्स्टेंट निकाला था एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, उसने वैल्यू पुट कर दिया और चिंदी सा क्वेश्चन यार आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे अपने को सॉल्यूशन मिलता है, बट चाहे वो वीक एसिड हो और चाहे वो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो वीक एसिड हो और चाहे वीक बेस हो, वीक बोला वर्ड है, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ये हमको पता है। तो भले हमने वन मोल लिया था लेकिन ये पूरा डिजोल्व होता है क्या, नहीं होता है। तो जो अल्फा डिजोल्व हुआ था ये बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होता है, बहुत कम, 50% भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, इतना कम कि हम अल्फा की वैल्यू को कंसिडर भी ना करें तो भी चलता है, यानी 0.0001 इतना मोल अगर वन में से डिजोल्व हो रहा है तो क्या फायदा, ठीक है, तो इसको कंसिडर करके कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इतना कम होता है, यानी अल्फा जो होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, हम लोग इसे नेग्लिजिबल भी समझ सकते हैं, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, जिसका कोई काउंटिंग ही ना हो, इतना भी हम इसको समझ सकते हैं, बहुत कम होता है। तो अगर मान लो अल्फा को हम माने ही नहीं कि भाई कुछ है ही नहीं, तो वन माइनस अल्फा यहाँ पे रखा है, अल्फा को मैंने जीरो मान लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, वन, अल्फा कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो हमने मान लिया कि अल्फा जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और जब इसको हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस अल्फा की जगह में वन आ जाएगा, यहाँ पे देखो वन आ गया, एट दी एंड कितना मिला, अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आएगी, के ए अपॉन सी, यहाँ पे देखो मिल गया अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी। फिर हम लोग को पता है एक और चीज कि सी इज इक्वल टू वन अपॉन वी होता है, तो चाहो तो आप सी की जगह में वन अपॉन वी पुट कर लो, तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा के ए वी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू के ए वी, ये मिल जाएगा। हम लोग ने अभी तक अल्फा अल्फा बहुत बार बोला, हम लोग अभी जानते हैं कि ये अल्फा क्या है, तो अल्फा वही है ना जो वन मोल में से डिसोसिएट हुआ था, तो इसका कुछ नाम होगा ना, इसका नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम होता है इसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हुआ कोई भी चीज, वही होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझा कि नहीं अच्छे से। तो अल्फा है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, याद रखना। और अपने को फाइनली क्या मिला, फाइनली अपने को मिला कि अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी, के ए क्या है, डिग्री ऑफ यहाँ पे कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट, सी क्या है, कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने ये सीख लिया, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट पूछ सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट कोई भी पूछ सकती है, ठीक है। चलिए अभी इसी से रिलेटेड हम लोग एक चीज देख लेते हैं, हमने किसका सॉल्व किया अभी तक, वीक एसिड के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या आ गया, के ए आ गया, वीक बेस के लिए करता तो यहाँ पे के भी आता और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, हम इसके लिए भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, तो देखना अच्छे से। एक आपके सामने वीक मोनोबेसिक एसिड है जिसका टोटल परसेंटेज डिसोसिएशन है 0.05% और इसका मोलार कंसेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, 0.02 है, इसे आपको अच्छे से समझना है। 0.02 आपको कंसेंट्रेशन देके रखा है, मोलार कंसेंट्रेशन, ठीक है, कैपिटल एम ये कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है, और या फिर मोल पर डीएम क्यूब, ये दोनों किसके यूनिट है, कंसेंट्रेशन की यूनिट है, तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एम, और अगर ये आया तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है, यानी सी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.02 गिवन है, और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ये भी देख के रखा है। तो बोला है कि कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, समझा कि नहीं अच्छे से। तो अभी हमको मिला है कि के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला, कैसे, देखो अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी, यही मिला था ना, स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी इज इक्वल टू के ए, आ गया ना अपने को यही रिलेशन, देखो यहाँ पे यही अपने को मिला है,
समझा कि नहीं अच्छे से, तो ये मिल गया ना। परसेंटेज क्या होता है, वही सिंपल सा ना, अगर समझ लो 0.05% है तो अपॉन 100 कर दूंगा तो ये मिल गया अपने को अल्फा। भाई परसेंटेज कितना डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट कितना हो रहा है, तो हमेशा अल्फा ही डिसोसिएट होता है ना, अल्फा ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अगर कोई भी चीज कभी बोले कि ये मॉलिक्यूल आपके सामने ए मॉलिक्यूल दिया है और डिसोसिएट हो रहा है कुछ इतने अमाउंट में, तो वो दिया है अल्फा की वैल्यू, बिकॉज अल्फा ही तो डिसोसिएट होता है। समझा कि नहीं अच्छे से, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.05%, परसेंट का मतलब 0.05/100। तो यही चीज देखो यहाँ पे आ गई, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ये कुछ लिख के फायदा ही नहीं है। समझा कि नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05/100, और जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो अपने को ये 5×10^-4 वैल्यू मिलेगी। आप बोलोगे ऐसा कैसे मिलेगी, तो 0.05 को मैं 5×10^-2 लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, और अपॉन में 100 है तो इसको मैं 10^2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। 10^2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 10^-2 बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 10^-4 देगा, और देखो यही चीज वहां पे डायरेक्ट इसने लिख दिया है, तो आपको समझा होगा अभी, ठीक है। तो 0.05 को हमने क्या लिखा है, 5×10^-2, ठीक है, और यहाँ पे 5 कर दिया। ऐसे हम कर सकते हैं। अपने को कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.02 मोलार दे के रखा है, इसको भी हमने 2×10^-2 कर दिया, सारी की सारी वैल्यू के ए की इस फॉर्मूले में पुट कर दी, फॉर्मूले में पुट करते ही अपने को देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। तो ऐसे हमने यूज किया है इस चीज को। चलिए अभी आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी वीक एसिड के बारे में, अब फटाफट हम देखेंगे वीक बेस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है, इससे सिंपल तो आपको शायद ही कुछ मिले, बहुत ही सिंपल है एकदम। जैसा हमने वीक एसिड के बारे में देखा था वैसे ही वीक बेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हम के बी निकालेंगे, फिर कितना डिजोल्व हुआ हम वो देखेंगे, और सारी चीजें अपने को मिल जाएगी। तो मान लो कि बी ओ एच ये जो है अपना वीक बेस है, ये डिजोल्व हो रहा है बी प्लस और ओ एच माइनस में, और इसका भी हमने कितना लिया था, 1 मोल ही लिया है। बी ओ एच कितना लिया है, 1 मोल लिया है। बी ओ एच की जगह में कुछ भी आ सकता है, एन ए ओ एच हो सकता है, या कोई भी अपना यहाँ पे वीक एसिड आ सकते हैं, ठीक है, वीक बेस कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिलहाल ये तो अपना यहाँ पे स्ट्रांग बेस होता है, वीक बेस लाइक NH4OH ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है, ये अपना होता है वीक बेस, ये होता है स्ट्रांग बेस, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो बी ओ एच बी प्लस और ओ एच माइनस में डिजोल्व हो गया, ठीक है, और कितना था बी ओ एच, 1 मोल था, याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं पहले, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मिल गया फटाफट। चलो के बी याद रखना क्या आया था, चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे बी ओ एच कितना था, 1 मोल, स्टार्टिंग में 1 मोल था, तो बाद में कितना, 0-0 डिसोसिएट हुआ। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब अल्फा अल्फा बाहर चला गया 1 में से, तो कितना बचा इधर बी ओ एच, 1 - अल्फा, दोनों का हमने फटाफट कंसेंट्रेशन निकाल लिया, 1 - अल्फा/बी, यहाँ भी α/बी, यहाँ भी α/बी, तो अपने को कंसेंट्रेशन मिल गया। देखो एट इक्विलिब्रियम में कंसेंट्रेशन कितना मिला बी ओ एच का, 1 - α/बी, बिकॉज कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - α/ यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि टोटल अगर मैं रियल में कहूं तो क्या होगा ऊपर, यहाँ पे मोल होगा, मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे बी ओ एच का मोल क्या है इक्विलिब्रियम में, 1 - α है, और बी प्लस का कितना है, अल्फा है, ओ एच माइनस का कितना है, अल्फा है, बिकॉज अल्फा ही तो डिसोसिएट हो रहा है ना। समझा कि नहीं अच्छे से, 1 में से अल्फा चला गया, और यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट साइड में अल्फा चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 - α बचेगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तो बी ओ एच 1 - α, फिर बी प्लस ओ एच माइनस यहाँ पे आ गया α/v, सारी चीजों को हमने इस के बी की वैल्यू में पुट कर दी, बी प्लस का कंसेंट्रेशन, ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन, बी ओ एच का कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन मतलब ब्रैकेट वाला, हाँ। तो यहाँ पे अपने को सारी चीजें देखो, कंसेंट्रेशन बी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस α/बी मिल गया, देखो यहाँ से कंसेंट्रेशन निकाला है, ठीक है, और बी ओ एच का भी 1 - α/बी मिल गया, फिर के बी भी पुट कर दिया फटाफट, वैसे ही सॉल्व किया, यहाँ पे α² / 1 - α/v आ गया, V को गायब करना है, तो अपने को पता है कि एट 1 मोल के लिए C इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल की वैल्यू 1 ले लूंगा, बाकी अपॉन में वॉल्यूम, फटाफट पुट करूंगा यहाँ पे, देखो α² C आ जाएगा। पहले कैसा था, α² / 1 - α, और V पहले था, V की जगह में ऊपर गया, ये क्या बन गया, C, यहाँ पे समझा कि नहीं अच्छे से, देखो यहाँ पे 1/V की जगह में पुट कर दूंगा ना C की वैल्यू को, तो यहाँ पे C आ जाएगा, समझा अच्छे से। नाउ अभी सेम वीक है ना अपना, चाहे वीक बेस हो चाहे वीक एसिड हो, अल्फा बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो 1 - α क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे केबी की वैल्यू क्या मिलेगी, केबी की वैल्यू जब ये 1 - α क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे α² C मिलेगा, α² only C बचेगा, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, केबी α² C बच गया। समझा कि नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो केबी सी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पे केबी अपॉन सी फिलहाल आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी अपॉन सी ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे जब इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अगर आगे सॉल्व करूंगा तो वन अपॉन यहाँ पे सी है ना, सी की जगह में वन अपॉन बी, देखो कुछ ऐसा है, रूट के बी अपॉन सी है, सी के जगह में क्या पुट कर दूं, अभी मैं सी के जगह में पुट करूंगा वन अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो वैल्यू इसकी इतनी ही है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा वन अपॉन वी, वी जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा के बी वी, समझा के लिए। तो एक ये भी फॉर्मूला है और अपना फाइनल फॉर्मूला, तो इसी को कंसिडर करके रखो, और ये भी अपना फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब इतना याद रखो कि सी इज इक्वल टू वन अपॉन वी होता है बस, और सी के लिए फॉर्मूला इसके लिए याद करके रखो, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या था, रूट ऑफ के ए अपॉन सी था, और बेस के लिए क्या है, रूट ऑफ के बी अपॉन सी है, ठीक है। दोनों में सेम है, बस के ए और के बी का डिफरेंस है और बाकी कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो चलिए इसका भी फटाक से एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान सा है न्यूमेरिकल, देखते हैं। तो द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ NH4OH, देखो है ना वीक बेस है, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बोल दिया है, यानी कि आपको KB की वैल्यू दे दी, ठीक है। कितना दे दिया, 1.8 × 10⁻¹⁵। कॉन्स्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना अच्छे से, ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोल। इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 × 10⁻²⁰ मोल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0. यहाँ पे 10⁻²⁰ कर सकते हैं। अपने को फॉर्मूला पता है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी पता है, के बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू भी देखो यहाँ पे पता है, सारी वैल्यू हम फटाफट पुट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो अपने को ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो एकदम आसान सा था, कुछ है ही नहीं इसमें, बस गिवन डेटा को पहचानो कि दिया क्या है। कंसंट्रेशन में ही हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो यूनिट याद रख लो, यूनिट अगर कैपिटल एम दिया है तो भी वो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, और अगर उसने मोल मोल और पर डीएम क्यूब ऐसा दिया है, या मोल डीएम माइनस क्यूब, एक ही बात होती है, अगर ये कोई भी दिया है तो ये समझ लेना वो भी कंसंट्रेशन है। और अगर किसी ने बोला कि ये डिसोसिएट हो रहा है किसी चीज में, अगर कभी बोल दिया कि डिसोसिएटेड इनटू दिस, ठीक है, तो समझना कि वो अल्फा की वैल्यू दे के रखा है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे कि वीक मोनोबेसिक एसिड 0.05% डिसोसिएटेड, तो ये क्या है, ये अल्फा की वैल्यू देके रखी है, भले परसेंटेज में है तो हम उसको डिवाइड करके 100 से कर लेंगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बट डिसोसिएटेड बोला मतलब वो 100 वो अल्फा की वैल्यू देके रखी है, बिकॉज भाई अपना वन मोल भी क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था अल्फा और अल्फा में, तो यहाँ वन माइनस अल्फा बच रहा तो बाद की बात है, बट यहाँ अल्फा अल्फा में डिसोसिएट हुआ, ठीक है, ये एकदम आपको समझ के रखना है। एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है, ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो यहाँ पे क्या देके रखा है, आपको अच्छे से समझना है कि कैलकुलेट H3O+ इन 0.1 मोल डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, जो एसिटिक एसिड है ये होता है अपना वीक एसिड, याद रखना इसको, और H3O+ जो होता है ये है अपना नॉर्मल, जो उससे बनता है कंसेंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब दिया है, मतलब भी सी की वैल्यू देके रखी है, ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, सी की वैल्यू देके रखी है, और पूछा क्या है, ध्यान देना, कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ, यानी कि H3O+ इसका अपने को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और देखो यहाँ पे जो 0.1 मोल डीएम क्यूब है ये क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, और अपने को कुछ यहाँ पे गिवन डेटा देके रखा है, गिवन डेटा देके रखा है, ठीक है, जो के ए है यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को देके रखा है 1.8 × 10⁻¹⁵। ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे CH3COOH लिख दिया है, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁵ गिवन है, ऐसा उसने बोल के रखा है, समझा होगा अभी अच्छे से आपको, ठीक है। चलिए तो अपने को फाइंड करना है H3O+। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था कि जो अपना CH3COOH होता है, याद रखना अपने को ये फाइंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट हम समझेंगे, ये भले हम इसको फॉलो ना करें, हम देखते हैं कैसे करेंगे अपने तरीके से। HCH3COOH यहाँ पे CH3COO- में क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा, प्लस बनाएगा H3O+, ये बना देगा,
ठीक है। चलिए मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में ये वन मोल ऑफ सॉल्यूशन इसका डिसॉल्व हो रहा था, तो यहां पे वन मोल था, इनिशियली क्या बन जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिर जब अल्फा चला गया तो यहां पे देखो पहला आ गया अल्फा और H3O प्लस भी अल्फा आ गया, तो यहां पे कितना बचेगा, वन माइनस अल्फा बचेगा, समझा कि नहीं अच्छे से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो अभी इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अपॉन वी, इसका कंसेंट्रेशन बस डिवाइड बाय, ये तो पूरा अल्फा क्या होता है, मोल है ना, वन मोल में से अल्फा मोल गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, वन माइनस अल्फा, यानी अल्फा भी मोल ही है, ठीक है, यहाँ पे बस वी से डिवाइड कर दो, मिल गया कंसेंट्रेशन, यानी कि एच थ्री ओ प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, अल्फा अपॉन वी, यानी अल्फा अपॉन वी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि अपने को सबसे पहले यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है, और अपने को मेन रिलेशन तो पता ही है, मेन रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी होता है, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर के ए अपॉन सी है, ये तो अपने को पता ही है, यानी के ए इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सी, अपने को ये पता है, बस अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, इसमें फटाक से पुट कर देंगे और सारी वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी यहाँ पे अपने को वॉल्यूम मालूम है क्या, वॉल्यूम नहीं मालूम है ना, लेकिन कंसंट्रेशन तो पता है ना, 0.1 मोल डीएम क्यूब, तो क्यों ना इस वॉल्यूम को गायब कर दूं, और अपने को कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, 1 अपॉन सी था, समझा कि नहीं अच्छे से, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी था, ठीक है, तो 1 अपॉन वी की जगह में इसे अल्फा सी लिख सकता हूं क्या मैं, 1 अपॉन वी है जो यहाँ पे, वी है, वी की वैल्यू को 1 अपॉन वी है ना, तो इसकी जगह में सी लिख देता हूं, तो अल्फा सी बन जाएगा, यानी कि ये हो गया अपना टोटल कंसंट्रेशन अल्फा सी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने को, अल्फा सी मिल जाएगा, ठीक है, ये अल्फा सी बन गया, ठीक है। चलो तो अभी ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले यहां से अपने को के ए पता है, अपने को सिर्फ अल्फा निकालना है, ठीक है, तो देखो के ए भी मालूम है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, के ए भी मालूम है, 0.1 1.8 × 10⁻⁵ के ए पता है, सी की वैल्यू भी 0.1 देखो यहाँ पे देके रखी है, सीई की वैल्यू भी पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, समझा कि नहीं अच्छे से, और अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप इस अल्फा सी में पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, समझा कि नहीं अच्छे से, देखो वही यहाँ पे सॉल्व किया भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एक बार मैं और अच्छे से आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, फिर से समझ लो अच्छे से। चलिए यहां पे इसे करता हूं डिलीट, और ये हो जाए भाई डिलीट, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट बस, ये सारी चीजें अभी गायब हो जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं करता हूं गायब, और अभी के अभी देखो एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट ही गायब हो जाएगा, ठीक है भाई, कैसे करना है, यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो अपने को थोड़ा सा अजीब दिख रहा है इसके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान देना, नाउ अभी हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो, अपने को पता है कंसेंट्रेशन C इज इक्वल टू 1 अपॉन V है, ठीक है, मान लो यहाँ पे, और अपने को के ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अपने को ये भी मालूम है, ठीक है, अपने को क्या पता है, और अपने को अल्फा नहीं मालूम है, ठीक है, याद रखना अपने को फाइंड करना है एच थ्री ओ प्लस का कंसेंट्रेशन, अपने को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ध्यान देना, अभी सी एच थ्री सी डबल ओ एच ये कितना है, वन मोल है, और ये डिजोल्व होता है, मतलब डिजोल्व होगा जब, तो कितना बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल ओ यहाँ पे माइनस और प्लस एच थ्री ओ प्लस ये बनाएगा, ठीक है, इनिशियली जीरो जीरो थे, बाद में जब ये अल्फा अल्फा चले गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, वन माइनस अल्फा बचेगा, अपने को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ सी एच थ्री में ध्यान देना है, ठीक है। फिर जब मैं कंसेंट्रेशन की बात करूंगा तो मैं कर दूंगा डिवाइड वी, यहाँ पे हर जगह सी से वी से डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, तो अपने को मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन मिल गया। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मालूम है ना, तो अगर अल्फा अपॉन यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा यहाँ पे अपॉन वन इंटू वन अपॉन वी, अपॉन वी की जगह में मैं सी लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ, तो इसके जगह में मैं अल्फा सी लिख सकता हूँ, यानी कि अपने को क्या मिला, कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस क्या मिल गया, अल्फा सी मिल गया, समझा कि नहीं अच्छे से। अपने को सी की वैल्यू गिवन है, अपने को सी की वैल्यू 0.1 मोल डीएम क्यूब गिवन है अपने को, ठीक है, बस अपने को क्या नहीं गिवन है, इसमें से अल्फा नहीं गिवन है, अल्फा पता ही नहीं है, तो यहां से अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का, के ए अपॉन यहाँ पे सी, ये फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल लोगे, के ए भी गिवन है और सी 0.1 मोल यहाँ पे गिवन है, फटाफट पुट करोगे अल्फा निकल जाएगा, अल्फा मिलते ही इस वाले इक्वेशन में अल्फा सी डाल दो, अल्फा भी डाल दो, सी भी डाल दो और आपको आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इनिशियली हमेशा वन मोल कंसिडर करने का, ठीक है। फिर ये होता है कंसेंट्रेशन, अगर वॉल्यूम दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको हम कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई 1/v क्या होता है, c होता है ना, तो 1/v जो c होता है तो 1/v के जगह में, यहाँ पे जो 1/v है इसके जगह में हम c तो लिख ही सकते हैं, समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस किसी का भी कंसेंट्रेशन पूछने दो, अगर वो CH3COOH का भी पूछता तो यही सेम आता, यहाँ पे सेम आंसर आता, ठीक है। तो इसका भी सेम आंसर आता, इसका भी सेम आंसर आएगा, अगर वो इसका भी कंसेंट्रेशन पूछा होता ना तो यहाँ पे 1-α/v हम लेते, ठीक है। तो इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार वीडियो देखोगे आपको अपने आप समझ में आएगा, समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप समझेगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, बहुत ही सिंपल है, वाटर का हमको फोकस करना है, वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन, अपने आप प्योर वाटर का देखना है। तो जो प्योर वाटर होता है ना वो बहुत कम डिसॉल्व होता है, बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, जो भी भले डिसॉल्व हो रहा है, भले कम ही डिसॉल्व हो रहा है, बट कितना डिसॉल्व हो रहा है, तो इसके कंसेंट्रेशन के बारे में अच्छे से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से डीप में हम लोग समझेंगे, सिमिलर वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं, वही सेम फॉर्मूला, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लगाना है। तो प्योर वाटर लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लिया, H2O, हम लोग H2O को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैंने इसके पास दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या बचेगा, OH बचेगा, तो देखो यहाँ पे OH माइनस आ गया, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में K मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर है, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो K इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस अपॉन H2O, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने बार है, दो बार है ना, तो यहाँ पे क्या आता H2O ब्रैकेट H2O, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो H2O का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक ही बार में लिख दिया स्क्वायर, अभी आपको समझ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, कुछ चीजें अज्यूम करनी है, कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे H2O के जो अनडिसोसिएटेड है, भाई प्योर मॉलिक्यूल है ना वाटर, तो इसका मॉलिक्यूल डिसोसिएट ही नहीं होता है, जब डिसोसिएट ही नहीं होता है यानी कि जो H2O अपना रिएक्टेंट साइड में था ये वैसा का वैसा ही रिएक्टेंट साइड में ही रहेगा, यहाँ साइड कुछ ना फॉर्म होने की ज्यादा चांसेस है, मतलब यहाँ पे डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ना, इसके लिए बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि जो इसका अमाउंट था वो अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा और मैंने उसे के डैश मान लिया, क्या मान लिया, के डैश। भाई जब अपना H2O ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है सो इसका मतलब क्या है कि जितना उसका अमाउंट था उतना ही अमाउंट रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अपॉन में रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो के डैश आ जाएगा, मैंने उसे ऐसा मान लिया, के डैश को मैं इधर भगाऊंगा, यहाँ पे के इंटू के डैश आ जाएगा और आगे क्या मिला अपने को, H3O प्लस और OH माइनस मिल गया। मैंने के इंटू के डैश को KW कंसिडर कर लिया और मैंने बताया कि जो अपना KW है, KW ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, मैंने बोल दिया, इसका नाम बोल दिया, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये आयोनिक प्रोडक्ट है, इसका आयोनिक प्रोडक्ट है KW, यानी कि जो वाटर है इसका आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, KW है, ठीक है। एक K और K डैश, ठीक है, K डैश क्या है, यहाँ पे K डैश जो है ये रिएक्टेंट क्या है इसका, याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, K डैश कॉन्स्टेंट है जो कि डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, और K क्या है, अपना वाटर का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो अपने को KW मिल जाएगा, ऐसा कंसिडर कर लो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ H3O और OH- है ये भी सेम होगा, भाई जो भी अगर डिसॉल्व हुआ भी तो जो इधर आएगा वो दोनों इधर सेम रहते हैं ना, रिएक्टेंट में से टोटल हम फोकस करते हैं कि रिएक्टेंट में से टोटल कितना गया भाई प्रोडक्ट साइड, तो जो भी आया रहेगा वो H यहाँ पे ये और ये दोनों की सेम वैल्यू रहेगी, क्योंकि हाफ हाफ में आए रहेंगे ना, हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी आया रहेगा वो सेम आया रहेगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू कंसिडर कर लो कि वो जो भी आया है, मान लो कि 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, लीटर
और डीएम क्यूब, ये दोनों इक्वल होते हैं और दोनों किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, दोनों के दोनों वॉल्यूम की यूनिट है, चाहे लीटर पकड़ो चाहे डीएम क्यूब पकड़ो, इस चीज को भी याद रखना कभी भी, ठीक है। तो कुछ चीजें तो हम यूनिट से ही गिवन डेटा को पहचान लेते हैं, यूनिट गिवन है उससे ही हमको सारे डेटा पहचान में आ जाता है, ठीक है। तो चलो ये हमको मिल गया, यानी कि ये H3O का भी है और ये OH- का भी है जो अपना रिएक्शन वहां पे हो रहा था, ठीक है। जो यहाँ पे अपना रिएक्शन हो रहा है H3O+ और OH-, इन दोनों का अमाउंट सेम रहेगा और वो अमाउंट है 1 × 10⁻⁷ मोल क्यूब, यही उसका अमाउंट है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो जो भी अमाउंट है वो सिमिलर है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि 1 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब या लीटर है, तो यहाँ पे मैं kW से क्या करूंगा, अभी kW से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या गिवन देके रखा है आपको, k और k डैश, क्या देके रखा है, k और k डैश दिया है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सिमिलर आएगी ना भाई। k क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो H3O प्लस और OH माइनस, इन दोनों का कंसेंट्रेशन की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ आई है, समझा कि नहीं, ये दोनों की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁷ आपको कंसीडर करनी है ऐसी, ठीक है। चलो तो मैंने H3O और OH माइनस की जगह में पुट कर दिया और अपने को kW की वैल्यू मिल गई। तो kW कितना मिला, 1 × 10⁻¹⁴ अपने को ये मिल गया, ठीक है। और यही है नॉर्मली ऑटोनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको समझना, तो ऑटोनाइजेशन ऑफ H2O से क्या मिलता है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁴ के, बस इतना ही याद कर लो क्योंकि 1 लिख के तो कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो 10⁻⁴ ये होता है ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसका आयोनिक प्रोडक्ट इतना होता है, आपको यही पता करना है बस। और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ऑटोनाइजेशन ऑफ, जब हम वाटर करते हैं तो H3O और OH- की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ ही मिलती है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी इस वैल्यू को, ठीक है। और kW इक्वल टू, जब सॉल्व होगा तो ये 10⁻⁴ भी आपको याद करना पड़ेगा। जस्ट ये इनटू ये किया है, नीचे का बेस सेम है ऊपर की पावर एड, तो -14 हो जाता है और अपॉन में यहाँ पे बेस में 10 आ जाएगा, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। मान लो 10⁻⁷ है और 10⁻⁷ है, तो नीचे का जब बेस सेम होता है तो ऊपर का पावर ऐड हो जाता है, तो -7 - 7 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ऐसे एडिशन होता है हमेशा मैथमेटिक्स में, तो आपको इन चीजों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तभी आप कैलकुलेशन वगैरह कर पाया करोगे, ठीक है। तो 10⁻⁴ ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर यानी आयोनिक प्रोडक्ट kW का वैल्यू आपको मिल चुकी है, और कभी कभी kW का यहां से भी आप निकाल सकते हो, बट इस चीज में आपको ज्यादा फोकस करना है। H3O और OH- की वैल्यू 10⁻⁷, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो kW कितना मिल गया, 10⁻⁴, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक अभी देखते हैं, pH स्केल, जो कि आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि हम लोग जो भी चीजें फाइंड करते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो हम मोल पर डीएम क्यूब में फाइंड करते हैं। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को लॉगरिदम फॉर्म में फाइंड करें तो कैसा रहेगा, हम लोग हमेशा यहाँ पे log 10 का बेस लेंगे, क्या लेंगे, हमेशा log 10 का बेस टू द बेस 10 ऐसा लिया करेंगे, और कंसेंट्रेशन को अब हम log के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ना कि मोल पर डीएम क्यूब के फॉर्म में, और इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीजें याद करनी पड़ेगी। देखो सोरेनसन ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे इन्होंने, केमिस्ट, इन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया है, आपको यहाँ पे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा इन्होंने बताया था कि पीएच जो होता है ये माइनस निगेटिव साइन के साथ एच प्लस का कंसेंट्रेशन, और पीओएच जो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच, ये माइनस साइन के साथ ओएच का कंसेंट्रेशन, हमेशा ऐसे आपको लिखना है। एच प्लस जो होता है ये भी प्रोटॉन है और एच थ्री ओ प्लस ये भी प्रोटॉन है, दोनों एकदम सिमिलर होते हैं, सेम काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एच थ्री ओ के लिए भी सेम ही आएगा और एच प्लस के लिए भी सेम ही आएगा। तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि जो पीएच होता है ये माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस होता है, और जो यहाँ पे पीओएच है ये माइनस टू द लॉग 10 और ओएच माइनस होता है, यानी कि एच प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, ये वाला है, ठीक है, और ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन ये वाला है, बस माइनस लॉग टू द बेस 10 आपको लगाना है, और पीओएच क्या हो गया ओएच माइनस के लिए, पीएच क्या हो गया यहाँ पे कंसेंट्रेशन के लिए। अभी इसका प्रूफ देखते हैं फटाफट, ठीक है। चलो तो रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच क्या आएगा, आपको पता है वैसे भी पीएच स्केल की वैल्यू 14 होती है, तो यही सॉल्व करना है कि कैसे आया, ठीक है। तो अभी हमको मालूम है कि kW अभी अभी हमने वाटर का निकाला था,
KW क्या था कि H3O plus और OH minus अभी हमने सॉल्व किया था। KW की वैल्यू कितनी आई थी, 1 × 10⁻¹⁴ आई थी, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा चीज सेम दोनों तरफ लॉग ले लिया 1 की, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लॉग टू दी बेस 10 और 10⁻¹⁴ आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी ले लिया तो लॉग टू दी बेस 10 H3O plus, लॉग की प्रॉपर्टी अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है A into B, और यहाँ पे आपने लॉग लगा दिया तो वो हो जाता है लॉग A प्लस लॉग बी, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी H3O into OH minus है ना, दोनों को यहाँ पे प्लस साइन से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन हो गया और log to the base 10 OH minus और H3 plus आ गया, ठीक है। चलिए अब मैंने इस वाले इक्वेशन में क्या किया है, ध्यान देना अच्छे से, इस इक्वेशन में यहाँ पे कुछ और नहीं किया है, ध्यान देना अच्छे से। अगर log to the base 10 और 10⁻¹⁴ है तो ध्यान देना ये 10 माइनस 14 क्या होता है, इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो माइनस 14 आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग टू दी बेस 10 और 10, ठीक है। और ये क्या होता है, लॉग 10 अपॉन लॉग 10, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे, बचेगा माइनस 14। तो यहाँ देखो माइनस 14 आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लॉग बी ए, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, मैथमेटिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, यही चीजें देखो, और यहाँ की सारी चीजें सेम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Now, अभी अपने को pH चाहिए था ना और pOH चाहिए था ना, तो लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज की कमी है, बाकी सारी चीजें मिल चुकी हैं, यहाँ से OH, यहाँ से pOH मिल जाएगा और यहाँ से अपने को pH मिल जाएगा, बट माइनस साइन है क्या इनके आगे, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे देखो माइनस साइन है दोनों के पास, pOH के लिए भी pH के लिए भी माइनस साइन है। क्या करेंगे, थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे माइनस चला जाएगा, ये वाला दे देगा पीओएच और ये वाला दे देगा पीएच, और पीएच प्लस पीओएच क्या मिला, 14 मिल गया। समझा के लिए अच्छे से, ये था बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन, इसे एक से दो बार जरूर देखो, इसे वॉच करो, आपको समझ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ HCl। चलो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे pH और pOH निकालना है, याद रखना अच्छे से। pH क्या होता है, माइनस टू दी लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। pOH क्या होता है, माइनस टू दी लॉग बेस 10 और यहाँ पे OH माइनस आयन, ठीक है, यही होता है, इन्हें याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएंगे। और किसका निकालना है अपने को, HCl का, कंसंट्रेशन देके रखा है। तो सेम देखो, अभी HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व होगा, HCl को वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, H3O plus Cl minus मिला, ये H plus मतलब H3O minus, ये plus यहाँ पे दोनों सेम बात होती है, डिफरेंस नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए तो कंसेंट्रेशन ऑफ H3O plus यहाँ पे कितना आ गया, 0.01 मोल, ठीक है, बिकॉज भाई इतने में ही डिजोल्व होगा ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर pH क्या होता है, माइनस टू दी लॉग बेस 10 माइनस, और H3O कितना है यहाँ पे, H3O 1 × 10⁻², पुट कर दिया और देखो माइनस लॉग टू दी बेस 10 और यहाँ पे क्या है, 10⁻², है माइनस 2 को इधर भगाऊंगा तो माइनस 1 ऑलरेडी है और माइनस 2 और आ जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, अभी अभी देखा था ये 1 कैसे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 आंसर आ गया, देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो क्या मिल गया अपने को, पीएच की वैल्यू मिल गई प्लस 2। सिमिलरली अगर अपने को मालूम है कि pH plus pOH is equal to 14 होता है और pH कितना मिला, 2 मिल गया, तो यहां से pOH की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 12 आएगी। समझा कि नहीं अच्छे से, जस्ट यही अपने को सॉल्व करना था। उसने बोला था कि pH और pOH बताओ, किसमें, HCl सॉल्यूशन में, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका हम लोग डिसॉल्यूशन करेंगे वाटर के साथ ही, तो हमेशा करते हैं ना, तो क्या मिलता है, H3O और Cl minus, बस रिएक्शन में थोड़ा फोकस करना बस, और कुछ नहीं। कैसे, H bond Cl plus H bond OH, ऐसे आया ना, ये H जाएगा इसके पास, ये बन जाएगा H3O, यहाँ पे टोटल क्या बन जाएगा, ऑलरेडी H2O है ही है और एक और HCl में से आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H3O और यहाँ पे Cl minus, सिंपल सा तो रिएक्शन है, ऐसे याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो फिर यहां से आप कंसंट्रेशन ऑफ बस H3O निकालो, H2O का कंसंट्रेशन निकालोगे लॉग के फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, pH, देखो यहाँ पे ये वाला अगर मैं ये सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ये H3O या फिर H का निकालता हूं तो pH मिल जाएगा ना, pH मिला तो pOH भी मिल जाएगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान है, pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑलरेडी देके रखा है, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ H3O माइनस को, ठीक है, प्लस को। चलिए तो निकाल लेते हैं, तो pH इज गिवन है, pH की फॉर्मूला भी यही होता है,
H3O का कंसेंट्रेशन अपने को फाइंड करना है और पीएच कितना है 3.12 दे के रखा है। बहुत ही अजीब सा है, फॉर्मूला भी आपको पता है। यहाँ पे देखो log टू दी बेस 10 माइनस ऑफ पीएच, यानी क्या होता है ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस टू दी log बेस 10 H3O प्लस, यही होता है। ठीक है, चलो पीएच दे के रखा है 3.12, तो अभी क्या किया यहाँ पे माइनस और ऐसा समथिंग आ जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग और अपॉन बेस 10 समथिंग आगे आ जाएगा। इस माइनस साइन को इधर भगा दिया, देखो ये वाला इक्वेशन आ गया ऐसे, माइनस 312 माइनस 3 और ये माइनस 0.12 ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? ठीक है, लिख सकता हूँ। यहाँ पे और प्लस कर सकता हूँ क्या 1-1? कुछ फर्क पड़ता है क्या? 1-1 जीरो ही होता है, यानी जीरो ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 1 को एक साथ लिख लिया और 1-0.12 को एक साथ लिख लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 0.88 आ जाएगा ऐसा यहाँ पे करके। फिर ये माइनस 4 है तो इसके साथ जब ऐड करूंगा तो ये 4 बार 0.88 आएगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अपने को एंटी लॉग लेना था इसके लिए, और एंटी लॉग डायरेक्टली 3.12 का नहीं मिलता है। ठीक है, हमेशा बार की वैल्यू का ही एंटी लॉग मिलता है, इसके लिए माइनस की वैल्यू का नहीं ले सकता हूं। अगर बार में लिखा है कोई चीज तो उसका एंटी लॉग ले सकता हूं, तो इसीलिए माइनस 3.12 को कन्वर्ट किया है बार में, 4.88 में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि एंटी लॉग लेना था। तो जब मैं इस चीज का एंटी लॉग ले लूंगा तो यहां से ये लॉग की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ H3O ओनली बचेगा। एंटी लॉग ऑफ ले लिया 4 बार 0.88 लूंगा, तो आप जाना लॉग एंटी लॉग में, 0.8 का 8 देखना, आपको वैल्यू मिलेगी 7586। फिर हम क्या, और यहाँ पे 4 बार है, ठीक है, यानी 4 बार 0.88 है, आपको 0.88 की वैल्यू देखनी है, आपको मिलेगा 7.7586 मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, मल्टीप्लाई करके जितना भी यहाँ पे बार में लिखा होता है, जो भी चीज यहाँ लिखी होती है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर बार में है तो 10^-4, अगर यहाँ बार नहीं है तो ओनली 4, या 0 है तो 10^0 मल्टीप्लाई, ऐसा हम कर देते हैं, ऐसा हम लोग एंटी लॉग देखा करते हैं। ठीक है, चलो जो भी रहेगा ना यहाँ पे ये पॉइंट के पहले, उस चीज को हम यहाँ मल्टीप्लाई 10^ में लिख देते हैं। अगर यहाँ 3 होता तो आता 10^3, समझा कि नहीं? अगर 3 बार होता तो माइनस 3, अगर यहाँ 0 होता कुछ नहीं होता तो 10^0 मल्टीप्लाई 10 से करने का। ठीक है, 10^2 यहाँ पे क्या जाता, ओनली 0 आ जाता, समझा कि नहीं? बस यहाँ पे एक पॉइंट लगा देने का खुद से, बस यही चीज होती है एंटी लॉग देखने के टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझने वाला है, 1 से 2 बार जरूर रिपीट करके सुनिएगा अच्छे से, बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसकी आपको नोट्स मिल जाएगी, आप लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।